तो प्यारे बहन भाइयों, ये देखिए ना, मैं नीचे उतर आई हूँ। आज एक बहन का मैसेज आया था, वो यही कह रही थी कि ना आप यहाँ पे जो रहती हैं, यहाँ पे सांप होंगे, वो बहुत ज़्यादा डर रही है, दवाई डाल रही हूँ, कूलर के अंदर पानी भी डाल दिया था। फिर मैंने, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, फैमिली के साथ हंसता बसता रखे। हमारी दुआ होती है आप सबके लिए, देखने वालों के लिए, तमाम बहन भाइयों के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं, बच्चे ठीक हैं, सारे ठीक हैं, शुक्र अल्लाह पाक का। अभी शाम का टाइम हो गया तो खाने के साथ आज का व्लॉग शुरू करते हैं। तो चले जी, चारपाइयाँ तो मैंने बाहर रख दी हैं, कूलर भी रख दिया है, तो बाकी सामान भी लेकर चलते हैं। तो ये हमारा रात का है जाली, जिसमें मोहम्मद अहमद और यानी कि फातिमा बच्चे सारे सो जाते हैं, कभी कौन कभी कौन सो जाता है। तो चले जी, मैं वो अंदर से बर्तन में निकाल लेती हूँ, थोड़े से लेट भी हो गए ना हम। मेरे तो दोस्तों कपड़े भी काले हो गए देखी के साथ ना। फातिमा तकरीबन हमने धो लिया, दवाई डाल रही हूँ, कूलर के अंदर पानी भी डाल दिया था। माशाल्लाह हमारी बर्फ़ चली गई कूलर के अंदर सारी। अभी ढकने लगा देते हैं, आपको दिखा दें कितना हमने पानी डाला है और बर्फ़ डाली है, ये देखिए। प्यारे बहन भाइयों, हमारा चूल्हा जो है बहुत अच्छा चल रहा है यहाँ पर, चूल्हा चला के ना जल्दी से सालन तैयार करते हैं। आज हमने दोपहर को कुछ भी नहीं बनाया था, सेवियाँ बनाई थी, यानी कि रोटी सालन या चावल वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, सेवियाँ खाई थी बच्चों ने। तो अब उन्हें लग रही है भूख, जैसे कि सामान आया है तो मैंने फटाफट ना बनाने के लिए खड़ी हो गई। और मैंने सोचा जैसे मैं खाना बना रही हूँ तो आपके साथ व्लॉग भी शेयर किया जाए। व्लॉग होते तो यही है, यही रूटीन ही शेयर की जाती है व्लॉग में, और क्या किया जाता है। तो प्यारे बहन भाइयों, आज मैं बना रही हूँ अंडे और प्याज की सब्जी, अंडे और प्याज की सब्जी। प्यारे बहन भाइयों, आज हम बना रहे हैं प्याज, अंडे और आलू की सब्जी। आज हम अंडे की भुजिया बना रहे हैं, आलू अंडे की भुजिया, ऐसे नामी अंडे आलू की। इंशाल्लाह पूरी पूरी कोशिश करेंगे खाना खाते वक्त भी आपके साथ व्लॉग शेयर किया जाए। ठीक है, अक्सर बहन भाई कहते हैं आप ना खाना खाने तक व्लॉग शेयर किया करें, तो इंशाल्लाह आपके साथ आज शेयर करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हमारी ये जो हांडी है वो चूल्हे पर जो है वो चढ़ चुकी है माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसके अंदर घी डाल दिया है माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारा घी जो है वो चला गया है। रुक जाओ भाइयों, हमारे जो व्लॉग हैं वो इसी तरह के आपको मिलेंगे, गाँव वाले बिल्कुल, यानी कि अकेला हमारा मकान है। तो सारे हमें कहते हैं कि बहन आप यहाँ किस तरीके से रहती हैं, कैसे गुजारा कर रही हैं, बच्चे हैं आपके छोटे छोटे। तो ये देखें ना, जो अल्लाह इंसान के लिए करता है बेहतर करता है, हर मुश्किल के बाद अल्लाह ने एक आसानी रखी होती है। ठीक है, कोई बात नहीं, आज अगर हस्बैंड के ऊपर हमारे ऊपर बुरा वक्त आया, हम एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला वक्त ही बदलेगा और इंशाल्लाह ताला हमेशा खुश रहेंगे। असल में बात ये है ना कि इतना ज़्यादा हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते, और दूसरा ये है कि यहाँ पर पुरसकून माहौल है और यहाँ हम खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 3000 मकान का किराया है, अगर हम लेते हैं शहर में तो 15 से 18 हज़ार तक किराए पहुँच गए। अगर ऐसे हल्का पतला मकान ले लो तो उसका किराया भी 8 से 10 हज़ार किराया है, कम बिल्कुल नहीं है। तो फ़िलहाल जो है ना हम यहीं पर ही गुजारा करेंगे। प्यारे बहन भैया, मगरिब की अजानें शुरू हो गई हैं, तो आपसे थोड़ी देर तक मिलते हैं अजानें ख़त्म होने के बाद ना भैया। इधर मैं आके बैठ गई, उधर मुझे धुआं बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था, मैं तो अंधी होने वाली हो गई थी, अंधी होने के करीब आ गई थी, बिल्कुल मेरी आंखें ख़त्म हो गई थी। अब मैं इस तरफ आ गई हूँ तो अल्लाह का शुक्र है यहाँ धुआं नहीं आ रहा। अब फातिमा पर्दा करके बैठ गई है धुएं से, और अम्मी देखें मोहम्मद की पिटाई कर रही है। कैसी पिटाई हो रही है मोहम्मद? धुआं मुझे फिर भी पर्दा नहीं करने देगा। चले जी, मोहम्मद ने अभी सिलांटियाँ खाई हैं, वो खुश होकर अम्मी के साथ खेल रहा है। तो जब तक मैं इधर खाना तैयार कर रही हूँ, और कोशिश हमारी फुल है कि आपके साथ जो है ना वो खाना खाने का व्लॉग भी शेयर किया जाए, खाना खा के आपको दिखाया जाए रात का। ए, अपना छिंचना भी साथ लिया हुआ है। हाँ, ये देखो मोहम्मद ने अपना फुल जुगाड़ किया हुआ है छिंचने का। मोहम्मद वो देखो, ओह ओह ओह, उधर देखो उधर देखो, वाह मोहम्मद। प्यारे बहन भैया, ये देखिए ना, मैं नीचे उतर आई हूँ। आज एक बहन का मैसेज आया था, वो यही कह रही थी कि ना आप यहाँ पे जो रहती हैं, यहाँ पे सांप होंगे, वो बहुत ज़्यादा डर रही थी। इतनी नाइस है ना वो सिस्टर, बहुत अच्छी है, इतना एहसास करती हैं।
वो कह रहे थे आपके छोटे छोटे बच्चे हैं तो ये जो है ना इनको पेट्रोल डाल के ना आग लगा दें ताकि ये ख़त्म हो जाएं, ताकि जो कीड़े मकोड़े हैं वो भी जलकर ख़त्म हो जाएं, मर जाएं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे छोटे। देखिए किस तरह से ये जंगल बना हुआ है सारा। और ना आपको पता है छोटे बच्चों को ना रोका नहीं जा सकता, वो इधर उधर खेलने के लिए भाग जाते हैं। मेरी फातिमा और अहमद जो ना वो भाग जाते हैं, फिर मैं उन्हें बाहर पकड़ कर अंदर लेकर जाती हूँ, आवाज़ें लगाती हूँ कि बेटा अंदर आ जाओ, कोई चीज़ काट ना ले, कोई नुकसान ना हो जाए, तो फिर मैं उन्हें अंदर बुला लेती हूँ। ये देखे ना सामने ही घर है, दीवार छलांग के वो इधर आ जाते हैं, खेलते हैं, इस तरफ निकल जाते हैं, वहाँ इधर उधर हर जगह वो ना खेलते रहते हैं। तो आज मैंने कहीं उठा के उस सिस्टर के कहने पर ना मैंने यहाँ से काफ़ी सारी तोड़ी हैं, यहाँ से तोड़ी, इस तरफ से तोड़ी हैं, ये भी तोड़ी आगे करके, और एक औरत आई वो बकरियाँ और उनके ना देखो ये भी यहाँ पर फेंकी है। यकीन करें इससे भी ज़्यादा ना वो उठा के ले गई है। मैं आपको दिखाऊँ ना, अहमद हटा के सीख लीजिए, ये देखिए ये सारी हमने यहाँ पर ना तोड़ कर फेंकी है, ये देख रही हैं आप, काट कर सिस्टर को कह रही हूँ, आप देख रही हैं, वो हमारे व्लॉग ज़रूर देखती हैं ना, तो उनको मैं बता रही हूँ ये सारे हमने जो है ना ये देखें निकाल ली हैं, ये देख इस तरह से, और इससे ज़्यादा हमने आगे फेंके हैं, और वो औरत इतने बड़े बड़े गट्ठर भर कर ले गई है। तो बस हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, एक तो यार पेट्रोल इतना महंगा हो गया है ना, फिर दोबारा पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, हम गरीब आदमी करें तो क्या, हम तो बाइक में पेट्रोल डलवा डलवा थक गए। तो चलें चलते हैं, देखते हैं, फातिमा वहाँ बैठ के हांडी को संभाल रही है, मैंने कहा तुम आलू कट कर लो और मैं चल के ना देखती हूँ। ये भी बताती जाऊँ कि इसको ना काटते काटते साफ करते करते ना तकरीबन कम से कम 15 दिन तो लग ही जाएंगे। ये भी करते वक्त मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। हाँ जी, जब ये काट लेंगे इसमें से तो साफ भी निकलेंगे जाने, एहतियात से काटेंगे ना, देखभाल कर पाँव रखेंगे ना, एहतियात से करेंगे, जैसे आपको आज नहीं घुसने दिया अंदर वैसे कल भी नहीं घुसने देंगे। चलें जी, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा। तो चलते हैं किचन की तरफ, आइए। बिस्मिल्लाह, उतर तो जाती हूँ, फिर चढ़ना थोड़ा सा ना मेरे लिए जो है ना मुश्किल हो जाए। अभी हाथ नहीं खींचो ना, अभी आप मुझे सिर्फ अपना कंधा दो। एक तो प्यारे दोस्तों वजन बहुत ज्यादा है मेरा, जिसकी वजह से थोड़ी तंगी होती है मुझे ना। अंडे जो आलू मैंने अंदर डाल दिए हैं डिक्ची के अंदर, फातिमा ने काट लिए थे, अब जैसे आलू थोड़े से गल गए तो मैं ये अंडे जो है ना इसके अंदर शामिल कर लेती हूँ, और फुल कोशिश कर रही हूँ कि आज आपको ना व्लॉग के अंदर खाना खा के दिखाया जाए, जैसे आप बहन भाइयों ने फरमाइश की हमारे साथ। थोड़ा सा ठंडा मोहम्मद सही पानी पिया, वो प्यास है बहुत ज्यादा ना। क्या हुआ है माँ? फातिमा का पैर जल गया है। हाँ। लकड़ी आगे करी थी तो वो लकड़ी पर आग लगी हुई थी, उसने ऐसे करा अंगूठे पे लग गया। ओहो। अच्छा ये देखिए जी, माशाल्लाह हमारा जो सालन है वो तैयार हो गया है, खिलाने के लिए आलू अंडे जो है हमारे रेडी हो गए हैं। और ये देखिए चारों तरफ अंधेरा है, ये देखिए ये हमने लाइट जला ली है, अम्मी मोहम्मद को लेके बैठी हुई है, और अहमद आप क्या कर रहे हो? फातिमा को पानी पिलाता हूं। फातिमा को ठंडा पानी दे रहे हो? ये सो क्या कहते हैं, आलू गोटाला, आलू अंडा बना हुआ है। अच्छा आलू अंडा, आलू अंडा। असल में फातिमा को ना पता नहीं चलता क्या सब्जी है क्या नहीं, नहीं क्योंकि ये तो बनाती नहीं है, मैं बनाती रहती हूँ, ये समझ नहीं आ रहा। मैं आपको पानी दूं ना? सही मैंने पी लिया था। तो गर्मी तो देख रहे हैं आप बहुत ज्यादा है, पसीना भी बहुत आया हुआ है। तो हमारा सालन तैयार हो गया, अब खाना बच्चों को देती हूँ, अम्मी को खाना देती हूँ, वो भी आपको दिखाते हैं, सारा शेयर करेंगे आज का व्लॉग आपके साथ इंशाल्लाह। गाइस आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दे तो ना हमारे चैनल ना ऐसे डाउन हो गया, तो आप प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर दें। देखे हम डाउन हो गए गाइस, हम इतनी मेहनत से आप लोगों तक वीडियो पहुंचाते हैं, आप इतना भी नहीं कर सकते हमारे लिए। नहीं पता इतनी मेहनत होती है वीडियो में, जितनी मेहनत वीडियो में होती है हम आपको क्या बताएं। देख रहे हैं मेरा पसीना, आपको लगती आसान है वीडियो तो बनाना बहुत मुश्किल होता है। बच्चों को लाकर खाना दे दिया, वहाँ अम्मी को भी दे दिया, अम्मी भी खा रही है, यहाँ बच्चे मेरे खा रहे हैं,
फातिमा बताओ कैसा खाना बहुत बना यमी। आपका भी हाथ लगा हुआ है ना सालन को, इसलिए यमी बना हुआ है। मेरी बेटी ने हेल्प करवाई है, बल्कि अहमद खान ने भी हेल्प करवाई है, मेरा बेटा पसीना पसीना हो रहा है। बच्चे मजे से खाना इंजॉय करें, आप सब भी हैं हमारे साथ खाना खाएं, इंजॉय करें खाने को। तो अब आपसे इजाजत चाहते हैं जी, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, रात का टाइम हो गया है। तो क्योंकि मैंने आपको बताया था अंडे और आलू टमाटर वगैरह जो है ना वो हमारे थोड़े से लेट आए थे, इसलिए मैंने खाना लेट शुरू किया, नहीं तो मैं जल्दी शुरू कर देती खाना जो है ना। तो जी अब आपसे इजाज़त चाहते हैं, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़ प्यारे दोस्तों।